लाइन के बच्चे, पेज नंबर 100 का जो इंटरनल क्वेश्चन है, आपको ध्यान होगा उसमें आपका जो क्वेश्चन था, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू डिस्टेंस, कैन इट्स हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल। तो इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान होगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन है, तो उसमें पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए कुछ उसमें डिस्टेंस तय किया हो तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यदि हाँ तो आपको सपोर्ट में एग्जांपल देना है। इसमें जो दिया है वो भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, या अपने से जो आप बढ़िया तरह से समझ सके आप जो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जांपल आपका सूटेबल और सटीक होना चाहिए। चलिए तो हम लोग आते हैं आंसर में। तो इसका जवाब है यस, ठीक है। यस इसलिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो सकता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट डैट हैव मूव थ्रू डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट एज अ शॉर्टर मेजरमेंट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। कहने का मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टर डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन। चलिए हम लोग जाने कुछ ऐसा एग्जाम्पल जिससे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस तो तय किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यहाँ एक आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको आप फील्ड भी मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यानी ए से चलना शुरू किया, बी सी डी होकर के फिर ए पे वापस आ गया। ऐसे में हम अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसका पैरामीटर ले लेंगे, यानी कि हम लोग ए बी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए करके हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये पूरा चक्कर लगा के फिर ए में वापस आ जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, जो आपको ध्यान होगा, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन आपका सामने, ए फार्मर मूव अलोंग बाउंड्री, है ना, ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड वाली बाउंड्री है 10 मीटर 40 सेकंड में, ठीक है, यानी 10 मीटर का स्क्वायर फील्ड वाला है, उसके बाउंड्री को मूव करने में इसको 40 सेकंड लग जाता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा 2 मिनट 20 सेकंड में। 2 मिनट 20 सेकंड कितना समय, मैंने इतने समय में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्टेंस से मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर फील्ड है तो आप उसका वो निकाल लीजिए, पैरामीटर 4 × साइड से, तो आपका आगे 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर के बाद से हमें यह मालूम करना है कि टोटल टाइम कितना हो रहा है, कितना समय किसान को दिया गया। तो इसके लिए क्या किया हमने, 2 मिनट आपके सामने है, 2 मिनट 20 सेकंड होता है कुल मिलाकर के 140 सेकंड, ठीक है। ही विल कवर अ डिस्टेंस, तो इतने देर में कितना दूरी तय कर लेगा, तो दूरी तय करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि 40 सेकंड में वह पूरा एक चक्कर लगा ले रहा है, ठीक है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा 40 मीटर वह मैंने 40 मीटर डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि 40 से इसको भाग देते हैं तो 3.5, यानी 3 जो है राउंड वह कंप्लीट करेगा और आधे राउंड पे वह रुक जाएगा, ठीक है। इस तरह से उसने 2 मिनट 20 सेकंड का समय लिया। तो ऐसे में हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो हम लोग एक डायग्राम बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान होगा जब यह ऐसे करके जब चक्कर लगा रहा होगा तो आधा दूरी ही तय किया होगा, ठीक है, आधा दूरी तय किया होगा। जैसे मान लीजिए, है ना, जैसे आपको ध्यान होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, चलते चलते यहाँ पे आधा दूरी तय किया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से इसका इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, कि ये कितना दूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका यह देखिए ध्यान से, ये रहा 10, ये भी 10, ये भी 10, है ना, और यहाँ पे आधा होते हुए यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो याद होगा, ध्यान होगा आपको, ठीक है, कि यहाँ पर, है ना, हमें ये डिस्टेंस तय करना है, यहाँ ये पोजीशन और ये पोजीशन की दूरी तय करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, है ना, हम लोग लगाएंगे फार्मूला जिसके अनुसार हम लोग इसका डायगोनल फाइंड करेंगे। तो डायगोनल होगा √10² + 10² तो हो जाएगा आपका
40.1 मीटर, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा 40.1 मीटर से 10 मीटर के बीच का होगा, ऐसा आपका आंसर होगा। थैंक यू। उसके बाद आप देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन भी बहुत अहम है, इसमें कुछ चीज़ें पूछी हुई है जिसको हम लोग ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही बात है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, नॉट ट्रू। डिस्प्लेसमेंट कैन बिकम जीरो व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, मैंने आपका क्या है कि दोनों के दोनों ही सेम हो जाए, ठीक है। मैंने कहने वाला कि इनिशियल जहाँ से शुरू किया था वहीं वापस आ गया तो ज़ीरो हो गया, तो इस पर वाले केस में तो नहीं हो सकता, ठीक है। और इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, मैंने कहने का मतलब यह है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। एक ही लाइन में सॉल्व हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टर होता है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।